This conference will now be recorded. अच्छा जी, अब अगर दोनों तरफ आपके पास क्या हो, प्रीपेड हो, तो साथ क्या रिकॉर्ड करेंगे आप, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड अगर क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंस डेबिट होगा, प्रीपेड अगर डेबिट होगा तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा। उसी तरीके से अगर दोनों तरफ पेबल हो, पेबल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, और अगर पेबल कम हो रहा हो तो क्या हो रहा होगा, डेबिट, और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर दोनों तरफ एक्सपेंस हो, सही है, एक्सपेंस प्लस होगा तो क्या आएगा, पेबल, और एक्सपेंस माइनस होगा तो क्या आएगा, प्रीपेड आएगा। सही ना, दोनों तरफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस था 10, एडजस्टमेंट में हो गया एक्सपेंस 12। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो साथ क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, पेबल रिकॉर्ड हो जाएगा। सही, उसी तरफ दोनों तरफ क्या है, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस 10 से 6 हो रहा है, एक्सपेंस माइनस होगा तो साथ क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड, यानी एक्सपेंस हुआ क्रेडिट तो प्रीपेड क्या हो जाएगा, डेबिट। उसी तरीके से आते हैं अनर्न की तरफ, अगर दोनों तरफ अनर्न है, अनर्न के साथ हमेशा क्या आता है, इनकम आता है। अनर्न कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और इनकम क्रेडिट। और अगर अनर्न बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो अनर्न कम होगा तो क्रेडिट और इनकम डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अनर्न के साथ सिर्फ इनकम ही आता है, कुछ और नहीं। सर ये दोबारा बताएं, अनर्न बढ़ेगा तो क्रेडिट और इनकम डेबिट, और अगर अनर्न कम हो रहा होगा तो डेबिट और इनकम क्रेडिट। सही है, सेम टाइटल में हम कौन सी एंट्री को चेंज करेंगे, देखो चेंज की बात नहीं होती, हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का टाइटल देख रहे होते हैं। अब इसकी एंट्री पे आएंगे ना, समझ में आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा वेट करना। अब देखो दोनों तरफ रिसीवेबल है, रिसीवेबल बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब रिसीवेबल अगर डेबिट हो रहा होगा यानी बढ़ रहा होगा तो क्रेडिट पे क्या लिखोगे, इनकम लिखोगे, और अगर रिसीवेबल कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या लिखोगे, इनकम डेबिट करोगे। सही है, उसी तरह दोनों तरफ इनकम है। सही है, इनकम प्लस होगी तो क्या लिखोगे, क्रेडिट, और रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और इनकम अगर दोनों तरफ है, इनकम माइनस हो रही होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट, और अनन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है भाई, ये फिक्स पॉइंट है सेम टाइटल ऑफ अकाउंट के। अब इसकी एंट्री की तरफ आते हैं। पहली एंट्री एग्जाम्पल वन, ट्रायल बैलेंस में क्या है, प्रीपेड एंड 10,000। रिसीवेबल वाला दोबारा बताऊं, बढ़ेगा तो, आयशा क्या पूछा, अनंत बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट लाइबिलिटी है ना, अनंत लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है ना, अनंत लाइबिलिटी है ना आपकी, अनंत बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होती है। रिसीवेबल वाला बताऊं, दोनों तरफ रिसीवेबल है, रिसीवेबल बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और रिसीवेबल कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और इनकम क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। सही है, अच्छा जी, अब आते हैं एंट्री की तरफ। पहले दोनों तरफ क्या है, प्रीपेड, दोनों प्रीपेड ब्रांड है, दोनों प्रीपेड सेम है, डिफरेंट है, क्या इनकम होगी तो क्या लिखेंगे। अब देखो दोनों तरफ अगर इनकम होगी तो क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ क्या है, इनकम है आपके पास। अब इनकम रिसीवेबल के साथ भी आती है और अनर्न के साथ भी आती है। इनकम अगर प्लस होगी यानी क्रेडिट होगी, डेबिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल, हाँ सेम टाइटल की बात हो रही है ना। और इनकम अगर माइनस होगी तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, अनर्न हो जाएगा। सही है, अच्छा जी, ओके। अब आते हैं प्रीपेड, प्रीपेड दोनों तरफ क्या है, सेम है, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है, एडजस्टमेंट में प्रीपेड। अमाउंट याद रखें हमेशा अलग होता है, दोनों प्रीपेड, अगर अमाउंट सेम होता तो एंट्री बनती ही नहीं ना, प्रीपेड 10 था 10 ही है तो उसकी एंट्री बनेगी नहीं, वो एडजस्टमेंट थोड़ी कहलाएगी। जब तो याद रखो प्रीपेड, ये दोनों देखते हैं, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो प्रीपेड एंड दोनों सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो अमाउंट कौन सा आएगा, डिफरेंस का आएगा 6,000। सही है,
प्रीपेड बढ़ रहा है कम हो रहा है? प्रीपेड 10 से 4 हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में यानी जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रिकॉर्डेड था 10,000, अब वो प्रीपेड है 4,000, तो प्रीपेड कम हो गया आपका। जब प्रीपेड कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, सही? क्योंकि प्रीपेड के साथ हमेशा क्या आता है? एक्सपेंस आता है, ठीक है ना? देखो प्रीपेड है, कम हुआ क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। दोबारा बताऊं, प्रीपेड कम हुआ क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ओके जी, दूसरी एंट्री पे आते हैं। हम एडजस्टमेंट देखेंगे या ट्रायल बैलेंस देख के चेंज करेंगे? मतलब एक्सपेंस हमने क्यों करा? वो पीछे आपने पॉइंट लिखा है इसके, लेकिन तब भी हमने इसको डेबिट क्यों करा? देखो प्रीपेड के साथ हमेशा एक्सपेंस ही आता। प्रीपेड 10 था 4 हो गया, प्रीपेड बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम ही टाइटल है ना। अगर मैं बोलूँ ट्रायल बैलेंस अलग हो, एडजस्टमेंट अलग हो, तो एडजस्टमेंट देखते हैं, ये दोनों सेम है, ऊपर भी प्रीपेड है नीचे भी प्रीपेड है। ट्रायल बैलेंस का डेटा रिकॉर्डेड है और एडजस्टमेंट हमारी फाइंडिंग होती है। ऊपर प्रीपेड है 10,000, नीचे प्रीपेड है 4,000, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होंगे अमाउंट कौन सा आएगा? डिफरेंस का आएगा, सही? 6,000 से एंट्री बनेगी। प्रीपेड 10 से 4 हो गया, कम हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? तो याद रखो जहां भी प्रीपेड होगा दोनों तरफ, तो साथ हमेशा एक्सपेंस आता, ठीक है? तो इसके हमने क्या लिख दिया? एक्सपेंस डेबिट कर दिया। इज दैट क्लियर? जहां पर भी प्रीपेड प्रीपेड दो जगह पे एक साथ लिखा हुआ होगा तो हम एक्सपेंस